हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुगले गोभी रेसिपी। अगर आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप सिंपल गोभी बनाने के बजाय अगर इस टाइप से उनके आगे सर्व करेंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक गोभी और 3 मीडियम साइज़ के आलू, और उनको मैंने काट के उबलने के लिए थोड़े से पानी में रख दिया है। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। 5 मिनट उबलने के बाद इसको हम छलनी में निकाल लेंगे। ये मैंने लिए हैं 3 प्याज, 2 टमाटर कद्दूकस किए हुए हैं और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले प्याज भूनते हैं और बहुत ही कम घी में भूनेंगे, और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन ही करना है। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं हल्के से। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारा प्याज निकाल लिया है। अब देखिए इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें पहले डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा भून जाए उसके बाद डालेंगे तेज पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए भी, और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब इसमें डालते हैं टमाटर। अब इसको भूनते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा जैसा आपको पसंद हो। अब थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अब इसमें जो प्याज हमने भुना हुआ अलग करके रखा था वो इसमें मिलाते हैं और इसको अच्छी तरह से भूनना है। चलिए अब थोड़ा सा भून गया है। अब इसमें डालते हैं हल्दी, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको टेस्ट पसंद हो, तीखा या कम तीखा। और इसमें डालते हैं धनिया पाउडर। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला। सब मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, और इसको भूनते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भूनना है ताकि सब मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा जो हमने भून के रखा था पीस के वो डाला है टेस्ट के लिए। भुने हुए जीरे से बहुत अच्छा सब्जी का टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छे से भूनना है सबको। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच के आसपास दही डालेंगे। दही से इसका रंग भी बहुत अच्छा आ जाएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि दही अच्छे से भुन जाए। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब इस पर थोड़ा सा पानी डालते हैं और अच्छी तरह से ताकि सब मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और दही भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए इसका इतना अच्छा कलर लग रहा है। अब इसमें डालते हैं गोभी और आलू जो हमने उबाल के रखे थे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मुझे यकीन है आपके मेहमान खुश होके जाएंगे इसको खा के। अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं।
ये देखिए पक रही है, एक बार बीच में हिलाना है इसको। ये देखिए बनने के बाद मैंने सर्विंग बाउल में डाला है इसको। आप रंग देखिए कितना अच्छा आया है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइए और शेयर कीजिए।